इस वीडियो में तमाम करेक्टर्स इमेजिनरी हैं। ये वीडियो कॉमेडिक पर्पसेस के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर देख के आपको फिर भी डिप्रेशन होता है तो प्लीज़ डॉक्टर से रिव्यू करें। HR जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कैलिबर नहीं और ना ही आप ऐसे ग्रेजुएट हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ जैन के व्लॉग्स। सर जी, पहली बात, भाई के पास एक स्पॉन्सरशिप आई है, अमीर, ठीक है। तो पहले हम और स्पॉन्सरशिप वीडियो देख लेते हैं, वो स्पॉन्सर देख लेते हैं, ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं रेस्ट ऑफ द वीडियो में। कैसा? ओह हाय देयर, क्या आप क्वालिटी के अनक्वालिफाइड फैटल से तंग हैं, या फिर सूफी कुकिंग ऑयल और शफकत के साथ खा खा के आपका पेट खराब हो गया है? कहीं आप राखी के ढूंढके देख देख के परेशान तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो परेशान ना होइए, मेरे पास है आपके लिए जस्ट द सॉल्यूशन। जी हाँ, रिजाइनोफाइड टैबलेट्स, ये लेने से आपकी बैंक अकाउंट में कमी और आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन में इजाफा हो जाएगा। इसको लेके देखिए, बाकी डॉक्टर से रजू फरमाएं। अच्छा जी, तो मजाक अपनी जगह, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। अब जो ये करीम नाव का जो सिनेरियो है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ शुरू से। एक्चुअली ये मैं अपने बिहाफ पे नहीं कह रहा, 12 अदर एजेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए भी होगा कि डू नॉट ट्रस्ट देयर वर्ड्स, ठीक है। ज़ुबान से कहे गए अल्फाजों पे यकीन नहीं करते होते जब तक डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं आती आपके सामने। तो मैं शुरू करूँगा जनवरी से, ठीक है, जब ये करीम नाव नई नई कंपेन आई थी, हमारे इंटरव्यूज़ लिए गए थे, मेरे भी और सारे फ्लोर पे तकरीबन 600 to 700 थे, और फिल्टरिंग कर रहे थे जनाब। पहले इंटरव्यू हमारा हुआ विद द HR, ठीक है, उसने शॉर्ट लिस्ट किया, फिर डायरेक्ट इंटरव्यू था CEO के साथ, कंपनी का CEO, ठीक है। इतनी कंपेन इतनी इनके लिए ज़रूरी थी, क्योंकि ये फॉरेन बिजनेस था, तो कंपनी के CEO के साथ हमारी मीटिंग थी, फिक्स हुई, उधर इंटरव्यू हुआ, ही आस्क्ड अस क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये वो, यानी कर करा के ना पूरे इन्होंने दो से तीन फ्लोर्स हैं, और कंपेन से 12 लोग सिलेक्ट किए, मैं भी था उनमें, ठीक है, पता नहीं कैसे लेकिन था मैं, सही है। तो उसके बाद उन 12 लोगों को जमा किया, तो हमें ऐसे ट्रीट किया गया था जैसे सोने की मुर्गियां नहीं होती, सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां, तो हम उनके लिए वो थे, उनकी ज़ुबान में अगर उनकी वर्डिक्ट में कहूँ तो। तो उसके बाद जो था ना, ट्रेनिंग शुरू हुई हमारी, सही है। तो ट्रेनिंग जैन के एंड में तकरीबन शुरू हुई, ट्रेनिंग वॉज फन। ट्रेनिंग जो करवाई थी ना हमें, वो अजमल, मिस्टर अजमल फ्रॉम आईबैक्स ने करवाई थी, आप देख रहे होंगे ये वीडियो, आपको रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट समझाया, और मतलब लाइफ लेसन्स भी दिए है। ही वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस्ड गाय, उनकी तस्वीर मैं यहाँ वीडियो में ज़रूर डालूंगा। तो उनके कंसेंट के मुताबिक उन्होंने, और उनका नाम अजमल ही है, मुझे पता है डिस्क्लेमर दिया था, लेकिन उन्होंने इजाज़त दी थी कि वो मैं उनका नाम यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली ऐसे हमारा शुरू हुआ ट्रेनिंग का, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई, प्रोडक्ट सीखा, और ऐसे था कि जैसे जनाब वो लोग मैनेजमेंट के जिनको हमने कभी ऑफिस से बाहर नहीं ना देखा था, दे केम डाउन टू द ट्रेनिंग रूम, दे सिट विद अस, दे ट्रेन विद अस, और हमें पता था कि यार ये स्पेशल है। तो स्पेशल, अब ये सब कुछ सही जा रहा है, आप कहेंगे मसला किधर आ रहा है? जनाब मसला ये आ रहा है कि हमें प्रोमिस, जब हम अपने फ्लोर से गए ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपको हर बंदे की नज़र में आपके, इतनी अगर हमें स्पेशल फोर्स दी गई तो सबको बोला गया था 30 प्लस 5, तो सबने कहा जंप है यार, 17.5 से आप 30 पे जा रहे हो बेसिक, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक के यार कमाल, मतलब किया आप लोगों ने, तो हैवी सीन होने वाला है, बट ऐसा नहीं था। तो उसके बाद जैसे हमने शुरू किया ट्रेनिंग का दौर, हमने कहा ठीक है गुड, ट्रेनिंग गुजर गई, अब नेक्स्ट सैलरी तो आएगी बड़ी, ठीक है, सैलरी आएगी हैवी। हमें कुछ ऐसे लोग भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनकी 25, 10 और 25 प्लस 5, यानी उनकी अल्लाह का शुक्र है सही निकल रही थी उनके हिसाब से, तो लेकिन वो भी थे, 2-3 लोग थे, तो वो जानते होंगे वो कौन है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो जनाब हम चले गए, ट्रेनिंग हुई, तो अजमल साहब ने हमें ट्रेन किया, पहली कॉल भी मैंने ली थी, ठीक है,
और पहली कॉल नहीं, खैर वंस इन अ ब्लू मून, जिनको ये पता है इंटरनल जोक है, बाकी व्यूवर्स को नहीं समझ आ रहा होगा, बट वंस इन अ ब्लू मून वाला सिनेरियो था कि जो बहुत कम आता ही आता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो पहली बार ही मेरे साथ आया था। तो उसके बाद जनाब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, वी वर एलोकेटेड ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे जाने के बाद काम शुरू हुआ, काम बहुत हैक्टिक था जनाब, बहुत हैक्टिक। ऐसे था कि एक साइड पे हम अगर डील कर रहे थे ना सिर्फ एक तरफ को, यहाँ पर तीन साइड्स डील करनी, ये वो ठीक है भाई, सैलरी आप ले रहे हो, काम भी आपका करना है, वी जस्ट क्वाइटली वर्क वर्क वर्क। अब भाई पहले दिन, हाँ सॉरी, बीच में हमें कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ाए गए जनाब, वी वर ऑल्सो टोल्ड एज चैम्पियंस, कहा गया था हमें चैम्पियंस, क्या चैम्पियन है हम, आदत सजा में तो चैम्पियंस ने खुद रिजाइन दिया। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स आया, हमारे पास, मेरे पास आया 17,500 का कॉन्ट्रैक्ट फॉर फर्दर 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या, मैं और एक और मेरी अच्छी दोस्त थी, तो उनके साथ मैं गया एचआर में, एचआर में गया हूँ, मैंने जाके उनसे पूछा कि जनाब व्हाट इज़ दिस, तो वो कहते हैं यार ये ऐसी साइन करवा रहे हैं, ये पिछला है, आपको नया करीम नाव का मिलेगा तो आप करें। मैंने कर दिया, बाकियों ने भी कर ही दिया कि ऐसा थोड़ी होता है, तो हमें तो प्रोमिस किया गया था ना। तो नेक्स्ट मंथ आए, हमें कहीं से बात कोई गए थे, उन्होंने बताया कि यार वो कह रहे हैं दैट वॉज इन ह्यूमन एरर, ठीक है, गलती से कमिट किया गया था। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मल्टी नेशनल कंपनी, ठीक है, आपकी दुबई में ब्रांचेस, इधर ब्रांचेस, सीईओ आपका प्राडो से नीचे नहीं होता था जनाब, उसके गाने सिद्धू मूसे वाले के गाने लगे होते हैं उसकी प्राडो में, और वो मूछों का ताव देते देते कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी आपका कनाडा जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, इतना बिजनेस ला रहे हैं इंटरनेशनल, ठीक है। एंड दे सेड इट वॉज ह्यूमन एरर के उनसे गलत कमिट हुआ। चले हमें वो बच्चा समझ के वो लॉलीपॉप खिलाने वाली बात। तो जनाब हम सारे रेजफुल हो गए कि 12 लोग पायनियर भी हम, उधर जितना उसके बारे में, कैंपेन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज था ना, उससे कम हमारे तकरीबन टीएल को होगा। टीएल को भी बहुत अच्छे इंसान है हसन मुश्तबा, उनको भी अच्छा था नॉलेज, ठीक है, हमारे अलावा किसी को नॉलेज नहीं था उस कैंपेन का। और हम ऑब्वियसली गए मिलके, सारे गए हमारे उधर एचआर में जिन्होंने कमिटमेंट की थी हमारे साथ, उन्होंने वही बताई ह्यूमन एरर। और जो चीज़ मुझे सख्त नापसंद लगी ना, दे सेड कि यार देखें आप वो जो हम नए हायर कर रहे हैं उनका कैलिबर और आपका फ़र्क होता है, वो FC ग्रेजुएट्स हैं। मैं हैरान था कि आज के इस दौर में ये चीज़ें अभी तक चल रही हैं। मैं अपने आप को एग्जांपल समझता हूँ अंडरडॉग की, ठीक है, कोट अब्दुल मालिक ऐसे शहर से, ऐसी बस्ती से होना कह ले जहाँ पर बदमाश ये वो सारी चीज़ें चलती हैं, और वहाँ से आके एक ऐसी जगह जाना जहाँ पर आपके इलीट क्लास के जो बच्चे होते हैं वो जॉब्स कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी थी कि किसी ने मुझे मुंह पे ताना मारा, बिकॉज आप मुझे चॉइस नहीं दी गई थी, भाई आपने डिफेंस में पैदा होना है कि आपने कोर्ट अब्दुल मालिक में होना है या लाड़काने में होना है, ठीक है, मुझे मैं पैदा हुआ ये मेरे हक में नहीं था, मेरे हक में था मेहनत करना, अपने आप को पॉलिश करना, जो कि मैं कर रहा था, और जिसकी वजह से इंसल्ट भी हुई कि हम FC ग्रेजुएट्स नहीं थे, इट इज़ योर प्रॉब्लम कि मैं अफोर्ड नहीं, मे बी हमारे में से बहुत सारे अल्लाह का शुक्र है अच्छी फैमिली से अफोर्ड कर सकते थे FC, बट आई कैन नॉट, ठीक है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ लेकिन FC वाला सीन नहीं है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, ठीक है, उन्होंने कहा आपकी मीटिंग करवाते हैं, 1 माह आप लगाए इंशाल्लाह होगा, मैंने इंतज़ार किया 1 मंथ, ठीक है, उसके दरमियान आपको क्या क्या बताऊँ, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बेसिक जो आपको मैं पॉइंट समझाना चाहता हूँ ना, एबकस यू डिड अस रॉन्ग, ठीक है, अगर हो गया तो हो गया, आई डोंट वॉन्ट एनी अपॉलोजी, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये वीडियो सिर्फ एक गेटिंग आउट ऑफ माई चेस्ट के भाई ये चीज़ हुई है हमारे साथ, तो गलत के ऊपर एक आवाज़ ना उठाना, मैंने रिज़ाइन कर दिया हुआ है, सो आई डोंट केयर। और उनकी क्वालिटी बकवास है, ठीक है, क्वालिटी में से एक बंदा आया था आई थिंक दूसरे दिन मेरी ट्रेनिंग के, तो आके कहते हैं कि मुझे देख के कहते हैं कि ओ भाई तेरे दो फैट आए हैं, बैठ जा जाके मैं तुझे समझाता हूँ। मैं कहा सॉरी, मैं तो करीम नाव में चला गया हूँ, अब मेरा तो कुछ है नहीं। और उसने पता क्या कहा, कहते तू कैसे जा सकते हैं करीम नाव में, तू चला गया तेरे जैसा बंदा,
ऐसे जैसे हकारत हो रहा उसकी निगाह से देख के। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा आगे से जवाब दूंगा कि कैलेबर है ये वो। मैं कहा भाई माँ की दुआ है, सीधी बात है, वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो दैट्स द होल सिचुएशन ऑफ एबेकस। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हर एबेकस के, मैं कहता हूँ, बंदे तक पहुँचाए ताकि उनको पता चले नेक्स्ट टाइम वो जो ये हरकत है ना किसी के साथ ना करें, ताकि हर कोई चुप करने वाला नहीं होता। आज एक वीडियो बनी है तो 10-15 लोग देखेंगे, कल किसी बड़े ने वीडियो बनानी ना, आपकी ये जो कंपनी है ना इंटरनेशनल बिजनेस के, आपको लोकल जैज जैसे ब्रांड भी मुँह ना लगाएं, ठीक है, जो आप दो कंपेन के ऊपर लेके घूमते फिरते हैं ना, धमकी समझे जो मर्जी समझे, इट्स माई ओपिनियन जो मैंने आप तक पहुँचाया। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और लास्ट वीडियो का जो टॉप कमेंट था मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ जा उंगली है ना, अबू बकर का था, थैंक यू मेट फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। तो सब्सक्राइब करें एंड या शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो सके। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले कमेंट्स छोड़ें, नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। अल्लाह हाफिज़।